जुमा मुबारक। मनहा ने वजू माशाल्लाह कर लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। रमज़ान का जुमा मुबारक आपको। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो जुमा नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, और जाके जो है वो मैं दिखाती हूँ। हम लोग थोड़ा सा, मुझे लग रहा था कि लेट हो गए, लेकिन हम लोग जल्दी पहुँच गए। 1:30 बजे जो है जुमा नमाज़ है, और ये मनहा जो है ये तैयार हो चुकी है। मनहा इधर देखो, ये जी मेरी मुस्लिम छोटी सी प्यारी सी बच्ची है ये जी। आज मनहा जो है ना वो जुमा पढ़ने आई है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि अंदर जो है किड्स के लिए इंट्री है या नहीं है। तो हम लोग जो है ना तकरीबन यहाँ से कोई थोड़ा सा रास्ता ही है मस्जिद का, तो हम लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। और ये हम लोगों ने यूएसयू पार्क का जो है ना B2 एग्ज़िट हम लोगों ने लिया है। ये सामने जो है ना वो एग्ज़िट आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन B2 एग्ज़िट है। यहाँ पे आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज जो है मनहा की एंट्री है या नहीं। जुमा मुबारक। जुमे वाले दिन यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको पुलिस भी खड़ी नज़र आती है, वॉलंटियर्स भी नज़र आ रहे होते हैं। तो हम लोग मेन पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, देखते हैं कि मनहा की एंट्री होती है या नहीं होती। ये हम लोग जो है ना पहुंच चुके हैं, और मनहा की एंट्री हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मनहा गो, चलो चलो चलो, जल्दी से चलो ना, चलो गुजरो, क्रॉस करो। हम लोग आगे जो है ना वो आ चुके हैं, और 1 घंटा पहले जो है ना वो मैं इंटर हो गई, इसलिए यहाँ पर रश नहीं है। अभी खुतबा जो है वो नहीं शुरू हुआ। लेकिन तिलावत हो रही है, आइए चलते हैं और आगे जाके मैं सुकून से हम लोग एक साइड पर बैठते हैं और तिलावत सुनते हैं। मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मनहा को आज है ना वो नमाज़ देखने का मौका मिलेगा। जितनी दफ़ा भी हम लोग आते हैं मनहा बाहर होती है, नमाज़ इसने अभी तक नहीं देखी कि नमाज़ किस तरह पढ़ते हैं यहाँ पर। और अभी जो है ये आज इंशाल्लाह जो है ना नमाज़ भी पढ़ेगी, और इसे वज़ू जो है वो भी मैं जाके करवाती हूँ, क्योंकि खुली जगह होती है और ये ईज़िली जो है ना वो वज़ू भी कर लेगी इंशाल्लाह जो है ना। आज मेरी बेटी जो है ना वो नमाज़ भी अदा करेगी। ये वाली साइड जो है ना ये मर्दों की साइड है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मर्दों वाली साइड है। और आगे जो है ना हम लोग जा रहे हैं लेडीज़ वाली साइड पे। नॉर्मली मैंने आपको एक तो ये करीबी है मस्जिद, और दूसरा ये बड़ी मस्जिद है, तो हमारा आना इसी मस्जिद में होता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जुमा है वो मैं एक और मस्जिद है वो वहाँ पर जाऊँ, और वो आपको जो है ना वो विज़िट करवाऊँ। आज मनहा का जो है ना वो वज़ू का तरीका मैं बता रही हूँ, और ये वज़ू करेगी, इसके बाद नमाज़ पढ़ेगी। 3 दफ़ा कुर्ली करो, गुड। ऐसे पानी लो और नोज़ में डालो, गुड। माशाल्लाह। अब 3 दफ़ा मुँह धोना है, डालो ऐसे, गुड गर्ल, गुड, वेरी गुड। अब लेफ्ट पाँव, गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। मनहा ने वजू माशाल्लाह कर लिए। मनहा का जो है ना ये फर्स्ट टाइम है, बच्चे अलाउ नहीं थे, इस वजह से इसे आज जो है ना वो इतने सालों बाद ज़्यादा जो है वो नसीब हो रही है। अच्छा, ये साथ में जो है वो पीछे कब्रिस्तान भी है, और ये यहाँ पर जो है वो कब्रें हैं, और यहाँ पर इस तरह से इन लोगों ने रेड कलर के साथ इसको ढांपा हुआ है, और इस साइड पे भी ऐसे ही है। उधर जो है ना वो हज़रत साद बिन अबी वकास है, हमारे सहाबा कराम है, उनकी कब्र मुबारक है। तो मनहा वहाँ पर जा के ना दुआ भी करेगी, और बाकी पीछे से जो है मैं आपको कब्रिस्तान दिखाती हूँ। Allah'a emanet olun.
आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं साइड साइड से। ओके, तख्ती पर कुछ चाइनीज लिखी हुई है और यहाँ पर जो है ना वो कब्रों को इस तरह से जो है ना ढांपा हुआ है। हाँ जी, ये भी किसी की कब्र मुबारक की है। ये बहुत पुरानी जो है ना कब्रिस्तान है। मे बी के इधर से शायद अगर आगे जाने का रास्ता नहीं क्लोज है, इससे पीछे जो है ना वो मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है वो कब्रिस्तान है। ये देखें, दरख्त से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना पुराना कब्रिस्तान है। पहला जुमा है तो औरतों को जो है ना वो थोड़ा सा बैठना पड़ रहा है क्योंकि रश जो है ना मर्दों का ज़्यादा है। तो यही जो रास्ते हैं, एक एक नॉर्थ गेट जाता है और दूसरा साउथ गेट जाता है, तो यहाँ से ही हम लोगों ने जो है ना वो बाहर निकलना है। तो अभी जो है ना माशाल्लाह आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश है कि दिल खुश हो जाता है यहाँ पर आके, कि आपका ईमान ताज़ा हो जाता है कि आपको हर तरह का जो लोग हैं वो नज़र आएंगे। और ये था कि जब हम लोग सात बिन अबी वकास की कब्र मुबारक पर गए थे, तब कुछ मतलब जुमे के टाइम वो वाली जो जगह है ना वो बंद कर दी जाती है, लेकिन जैसे ही जुमा ख़त्म हुआ है तो उसके बाद इन्होंने ओपन किया। कुछ लोग जो हैं वो हज़रत सात बिन अबी वकास की कब्र मुबारक पर जा रहे हैं और हम लोग जो है ना मतलब रश कम हुआ है तो इस वजह से हम यहाँ से निकल पड़े हैं कि ऐसा ऐसा जो है ना वो गेट तक जाते हैं, फिर आगे जो है जहाँ जाना है वो फिर चलते हैं। तो आज का दिन जो है ना वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये मेरी जो मेमोरी है ना, ये लाइफ टाइम मेमोरी है मन्हा की, और मन्हा ने जो कुछ सीखा है इंशाल्लाह मज़ीद भी है। हम लोग आएँगे और ये मज़ीद जो है ना वो सीखेगी। यहाँ पर हमें जो है ना वो हमारे जाने वाले एक भाई मिल गए हैं, तो मन्हा उनके साथ बातचीत कर रही है। से हो रही है अब हमारी वापसी और जुमा हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है और अभी जो है ना वो मैं जा रही हूँ शॉबे, और शॉबे से मैंने कुछ जो है मीट वगैरह बाय करना है तो वो मैं बाय करती हूँ और साथ में आपको जो है ना वो दिखाती हूँ कि जहाँ पर मुस्लिम स्ट्रीट है वहाँ पर जो है ना लोग रमज़ानुल मुबारक को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह शॉपिंग करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ जाके। ये जी मैडम जा रही है हमारी नमाज वगैरह नमाज पढ़ के। ये यहाँ का तंदूर है, इसके अंदर इन्होंने ये लगाए हुए चिकन मीट वगैरह डाल के। वो ये यहाँ का तंदूर शॉबे की एक गली में हम लोग आ चुके हैं। ये आपको फुल जो है ना मुस्लिम स्ट्रीट है, मैंने पहले भी आप लोगों को विज़िट करवाई है। आज यहाँ पे स्पेशल आने का मकसद ये है कि मैं दिखाती हूँ आपको कि रमज़ान में जो है ये स्ट्रीट कैसी नज़र आती है।
इस टाइम जो है ना अभी रोज़े का टाइम नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना वो रश कम है, वरना अगर आप अफ्तारी के टाइम यहाँ पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है। आपको सिर्फ इस इलाके से पता चलेगा कि रमज़ान है, वरना तो नॉर्मल जो भी चाइनीज़ इलाके हैं या चाइनीज़ हम लोग कहीं पे भी रहते हैं, हमारी कम्युनिटी है वहाँ पे किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रमज़ान का। लेकिन शाम को जब अफ्तारी का टाइम होता है तो यहाँ पर लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं अफ्तारी करने के लिए। इवन के आज हम लोग मस्जिद में थे क्योंकि मैंने जो है वो घर जाना था, मेरा कोई अफ्तारी मतलब बाहर करने का इरादा नहीं था, तो वहाँ पर जो है ना वो लोग सेल कर रहे थे, सॉरी सेल नहीं कर रहे थे, आपको अफ्तारी के फ्री कार्ड दे रहे थे। यहाँ पे शॉपे में कोई शॉप है तो वहाँ पर आप आएँ और अफ्तारी करें। ये जी हमारी आवाम, वो देखो फरहान अंकल आ गए हैं, गोश्त लेने आए हैं। नहीं हम तो नमाज़ पढ़ के, इसने कुछ खाना पीना था उसे चीज़ें दिलवाई अब वापस। हाँ ठीक है, आप भी गोश्त लेने आए, ठीक है भाई। तो उन्होंने जो है ना वो अफ्तारी जो है उसके कार्ड बांट रहे थे कि फिर से भी अफ्तारी अगर किसी ने करनी है तो वो आज की डेट की कार्ड से आप लोग आज वो कार्ड दिखाएं उस शॉप वालों को और वो आपको फ्री में अफ्तारी करवाएंगे। तो यहाँ से जी ठीक है, मनहा के मैं शूज़ देखती हूँ और देखते हैं अगर कुछ सही लगते हैं तो उससे शूज़ लेके देती हूँ। तो ये सारे जितने भी हैं ना शूज़ 20-20 RMB के हैं और रिजनेबल भी हैं, ज़्यादा चलते नहीं हैं, बस ये है कि बच्चों के लिए बहुत सही हैं। यहाँ से हो रही है अब हमारी वापसी और आज का व्लॉग उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप मज़ीद जो है व्लॉग इस टाइप के देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।